नमस्कार मंडळी, मी सिद्धेश जगडे पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलला वाटाडा एक ट्रॅव्हल बडी। सो आपण आता हिडंबा टेम्पल दर्शन घेऊन पुढचा प्रवास सुरू करणार आहोत। तर व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्की सांगा, व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। हम जिस जगह पे खड़े हैं उसे डुंगरी विहार कहते हैं। डुंगरी एक पहाड़ी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है बड़े बड़े पत्थर या शिला। आपके आजू बाजू में आप देख सकते हो कि आपको बड़े बड़े पत्थर जो है वो दिखाई देंगे। इसी के साथ यहाँ पे जो भी ट्रीज है वो है देवदार के ट्रीज। इनका जो एज है तकरीबन किसी का 100, किसी का 200, किसी का 300 साल ये पुराने जो है ट्रीज है। इसका एज जो है वो कैसे काउंट किया जाता है, तो यहाँ के लोग इसका एज कैसे काउंट करते हैं, तो किसी भी एक पेड़ अगर एक इंसान के हग में आता है तो उसको 50 इयर्स माना जाता है। लेकिन हम लोग जो है कैसे एज काउंट करते हैं, जब भी ट्री जो है काटते हैं तो अंदर रिंकल्स रहते हैं उसके ऊपर से हम लोग जो है वो एज काउंट करते हैं। अभी आपके पीछे देखो कि हिडिंबा माता टेम्पल है। ये टेम्पल जो है वो पैगोडा शैली में बनाया हुआ टेम्पल है। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे दिसंबर जनवरी फेब्रुवरी में हेवी स्नोफॉल पड़ता है, तभी यहाँ से जो भी बर्फ है वो निकल के बाहर पड़ जाए, इसीलिए जो है वो पैगोडा शैली में बनाया हुआ है क्योंकि मंदिर का कोई नुकसान ना हो जाए इसीलिए। ओके, इसके ऊपर आपको एक त्रिशूल नजर आएगा मंदिर के ऊपर एकदम टॉप पे। उसके पीछे दो रीजन है, जैसे कि पहला रीजन है कि ये हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है और सेकेंड है कि जब भी यहाँ पे स्नोफॉल होता है तभी बिजली गिरने की चांस होती है, तो बिजली से नुकसान ना हो जाए मंदिर का, इसीलिए जो है वो त्रिशूल ऊपर के साइड है। इसी के साथ मंदिर जो है टेम्पल ये देवदार और अखरोट के वुड से बनाया हुआ है। आपको जो कार्विंग दिख रही है नीचे, वो कार्विंग जो है वो अखरोट के ट्री पे वो वुड पे बनाए हुए कार्विंग है। और इसी के साथ ये मंदिर जो है जब भी आप अंदर जाओगे तभी आपको डोर पे नवग्रह की कार्विंग दिखाई देगी, उसके साथ बीचों बीच गणपति जी की गणपति बापा का भी कार्विंग है। जब भी आप अंदर जाओगे तो वहां पे कोई मूर्ति नहीं है, तो माता के चरण है, एक बड़ी शिला है उसके नीचे, उसके आपको दर्शन लेने हैं। और उसी के बाद अंदर गणपति बाप्पा और शंकर भगवान की भी स्टैचू से छोटे छोटे मूर्तियां हैं। ओके, इस मंदिर में आपको बहुत सारे स्कल दिखाई देंगे प्राणियों के, दिख रहे तो वो है कि यहाँ पे पहले बलि दी जाती थी, प्राणियों की नर बलि भी दी जाती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो है वो बंद की। आपको मंदिर के सामने एक गड्ढा नजर आएगा छोटा सा, वहां पे जो है वो प्राणियों की बलि दी जाती थी। अभी जो है बलि वो आपको एक रूम दिख रहा है सामने की तरफ, वहां पे दी जाती है। ओके, इस मंदिर के बारे में दो कथाएं कही जाती है, जैसे कि पौराणिक कथा है और ऐतिहासिक कथा है। पौराणिक कथा ऐसी है कि डुंगरी विहार में प्राचीन काल में इस जगह पे हिडंब और हिडिंबा नाम के दो राक्षस भाई बहन रहते थे। हिडंब जो था वो बहुत ही क्रूर था, यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को मार डालता था, और हिडंबा माता जो थी वो बहुत ही दयालु थी मेरे जैसी तो अपने भाई की इस करतूत से वो बहुत परेशान हुई। उन्होंने एक पन रखा कि जो भी मेरे भाई का युद्ध में वध करेगा उससे मैं शादी करूंगी। उसी के टाइम उसी समय जो भी अपने पांडव है, सबको मालूम है पांडव, वो जो थे वो अज्ञातवास से यहाँ पे वास्तव में आए, तभी हिडंब और पांडव के बाहुबली भीम इनके बीच में युद्ध हुआ। हिडंब जो था वो मारा गया और पन के मुताबिक हिडंबा माता ने जो भीम से शादी कर ली। उनको आगे जाके एक बेटा भी हुआ, उनका नाम घटोत्कच। उन्होंने कुरुक्षेत्र के जो महाभारत का युद्ध था कुरुक्षेत्र में हुआ उससे बहुत अहम भूमिका निभाई, बाद में कर्णों के हाथों उनका मृत्यु हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि घटोत्कच टेम्पल, वहाँ पे कोई टेम्पल नहीं है, एक पेड़ है उसकी पूजा की जाती है। ओके, वहाँ पे मतलब न्यू मैरिड कपल जो थोड़े जाते नहीं है। उसके बाद में जब भी पांडव जो थे अज्ञातवास से यहाँ से जा रहे थे, तभी हिडंबा माता पांडवों के साथ जा नहीं सकी क्योंकि पांडव जो थे वो देव कुल के थे और हिडंबा माता जो थी वो राक्षस कुल की थी। अंदर एक शिरा है उसके ऊपर बैठ के माता ने घनुघर तपश्चर्या करी, उसका फल स्वरूप उसे देवकुल प्राप्त हुआ, तभी से ये मनाली की ग्राम देवता मानी जाती है। इसको इतना इम्पोर्टेंट है कि कुल्लू दशरथ जब भी उत्सव रहता है यहाँ पे त्यौहार रहता है, तभी जब तक कुल्लू में माता की पालकी नहीं पहुँचती तब तक जो है वो त्यौहार जो है खत्म नहीं होगा। ओके, ये थी पौराणिक कथा। उसके बाद में ऐतिहासिक कथा ऐसी है
कुल्लू का राजा राजा राय बहादुर सिंह, इन्होंने 1553 में एक कारागिर को लेकर ये टेम्पल बनवाया। ये टेम्पल राजा को बहुत ही सुंदर लगा। राजा के मन में एक ख्याल आया कि अगर इस कारागिर ने दूसरी जगह पे जाके दूसरे राज्य में जाके मंदिर बनाया तो मेरे राज्य का महत्व कम हो जाएगा। इसीलिए राजा ने उसे बहुत सारी धन संपत्ति दी और उसका दायित्व काट दिया। बेचारा निराश कारागिर यहाँ से दूर 143 किलोमीटर की दूरी पर त्रिलोकनाथपुरी इस गांव में जाके उसने इससे भी बड़ा और सुंदर ऐसा शिव मंदिर बांधा। लेकिन वहां के राजा भी उसी तरह निकले कि उन्होंने उसे बहुत सारी संपत्ति दी और उसका शिरच्छेद किया गया। ऐसी दुखद भरी कहानी इस मंदिर के बारे में कही जाती है। इस मंदिर के परिसर में बहुत सारे मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे कि ये जवानी है दीवानी, जो मैगी का स्टॉल लगाया हुआ था, शादी का पार्ट एक स्टार्टिंग में ही रहते जब वो मनाली में पहुंचे तो यही शूट हुआ है। उसके बाद में सौदागर मूवी है, वो जो है कि है मेरे कश्मीर की देवता, और पीछे की तरफ शूटिंग हुई है वो नारियल फोड़ते जो है वो मनाली की ग्राम देवता की। ओके, इस जगह पे मतलब अभी ये टेम्पल में दो फेस्टिवल होते, एक सरोनी मेला जो कि श्रावण महीने में होता है, और यहाँ पे 14 मई को माता की जयंती जो है वो यहाँ से बनाई जाती है। ओके, ये जो माता है वो आप यहाँ मंदिर में मन्नत मान सकते हैं, मतलब नवसाला पावणारी देवी है, तो तुम्हें नवस करू शकता, पर नवस जो है मन्नत जो है पूरी होने के बाद किसी प्राणियों की बलि नहीं देना, यहाँ पे सिर्फ आना पड़ता है फिर से माता के दर्शन के लिए, लेकिन वो विनावल के साथ आना पड़ता है। सो मित्रांनो, आपण आता ते झिपलायनिंगला आलेलो आहोत। एक वेगळीच मजा, नवीन पहिला अनुभव, थरारक अनुभव अनुभवणार आहोत। खालून नदी आहे आणि वरतून आपण इथून तिथे रोपणी जाणार आहोत। हे बघा, हे दोघं कसे आले, इथून जायचं आहे आणि इथून परत रिटर्न आहे तिथून त्या स्पॉटवरून। पाय सोडा पुढे, ये यहाँ से गिरेगा नहीं ना भाई, मोबाइल गिरा तो क्या। मित्रांनो, आपली झिपलायनिंग झालेली आहे। झिपलायनिंगचा अनुभव एकदम मस्त होता। कसा होता अनुभव? खूप छान होता। तर आता झिपलायनिंग नंतर आता आपण इथे रोपवेला जाणार आहोत, रोपवेचा अनुभव घेऊया। हे बघा, इथून जे आहे इथून असं वरती जायचं आहे आणि तिथून परत रिटर्न येणार आहोत आपण। चलो आपण आतमध्ये भेटूया। बघा मित्र, इथे पॅराग्लायडिंग पण आहे। इथे वाटतं लँडच त्याच लँड करायचं काय लँड दादा लिहि आपण त्याचं रोपवेला एंट्री आहे।
वरतून व्यू पण दाखवणार कसं असणार आहे ते. चलो सो त्याचं फोटोशूट चालू झाले आहे. आता वरतून व्ह्यू बघूया कसं आहे ते. स्पीड वाढला आपण. काय नाटणार वरतून व्ह्यू बघा मित्रांनो. मित्रांनो फायनली आपण पोहोचलेलो आहोत. उंचावर आलेलो. कसा होता तुमचा अनुभव? एकदम ऑसम. मजा आली. आधी मस्त आत फिरत होतो. ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स सर्वांचा मस्त आहे. आता वरतून आपण व्ह्यू कसा आहे तो बघूया, एन्जॉय करूया. इथे राईट साईडला इथं बर्फ दिसतोय. अजून व्ह्यू वरतून मोकळी जागा पण आहे, तिथून पण बघूया एक्झॅक्ट व्ह्यू कसं आहे ते. सो मित्रांनो आपण वरती रोपवेने गेलो, तिथे टेबल लँडला एन्जॉय केलं, थोडं फोटोग्राफी वगैरे केली. तिकडचा व्ह्यू तुम्ही बघितलाच असेल. तर आता आपण परत खाली जातोय रोपवेने. हा वरतून खाली जातानाचा व्ह्यू आहे. मस्त स्पीडमध्ये चालले थोडं वरतून खाली जाताना रोपवे. हा बघा हा व्ह्यू. व्हिडिओ आपण भेटूया खाली जाऊन. फाय कलर्स जो आप देख रहे हो उनमें ऊपर की तरफ आपको ब्लू कलर दिखाई देगा, उसके नीचे आपको व्हाइट दिखाई देगा, उसके नीचे रेड दिखाई देगा, उसके नीचे ग्रीन और सबसे लास्ट में आपको येलो कलर दिखाई देगा. ये टोटल जो फाइव एलिमेंट्स हैं उनको ये कलर डेडिकेट किए गए हैं. सो पहला कलर ब्लू. ये ब्लू कलर किसके लिए दिया गया है? स्काई. जो पहला कलर है वो स्काई के लिए डेडिकेट किया गया है, क्योंकि स्काई अगर आप देखोगे तो नीला देखने मिलेगा. ठीक है, दूसरा कलर जो दिया है वो किसके लिए दिया गया है? जो है वाइट. वाइट कलर वायु. नो. तो ये जो वाइट कलर दिया गया है वो एयर के लिए दिया गया है, हवा. ये एयर के लिए इसलिए दिया गया है क्योंकि एयर को कलर नहीं है, हम देख नहीं सकते, तो इसीलिए वो वाइट कलर दिया गया है. थर्ड कलर है रेड, अग्नि, फायर. ओके, उसके नीचे है ग्रीन. नो. नो. जमीन. वाटर. पानी. कोई भी कलर कंज्यूम कर सकता है. और अगर धरती पे पानी अगर आप देखोगे तो ग्रीनरी की वजह से वो पानी ग्रीन कलर में रिफ्लेक्ट करता है, तो इसीलिए इसे ग्रीन कलर दिया गया है. और लास्ट कलर है येलो. येलो कलर जो दिया गया है वो बिना वर्ड को है. येलो कलर जो दिया गया है वो पृथ्वी के लिए है, क्योंकि अगर आप ऊपर से अवकाश से पृथ्वी के ऊपर देखोगे तो वो आपको येलो इस कलर में नज़र आती है, तो इसीलिए वो दिया गया है. ये जो फ्लैग्स आप देख रहे हो, हर एक फ्लैग के ऊपर आपको मैसेज लिखे हुए नज़र आएंगे, तो वो हर एक चीज़ के लिए दिए गए मैसेज हैं. ये जो फ्लैग्स मैक्सिमम आप देखने वाले हो, जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती है वहीं पे आपको देखने मिलेंगे. जैसे कि अब हम लोग हिमाचल में ट्रैवल कर रहे हैं, सो आप लोग देख रहे हो कि ब्रिज के ऊपर ये फ्लैग्स बंधे हुए देखने मिलेंगे, घर के छत के ऊपर देखेंगे, या तो जहाँ हवाएं चलती है वहाँ पे देखने मिलेंगे. सो इसके पीछे रीज़न ऐसा है कि हर एक फ्लैग के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है. सो जैसे हवाएं चलती रहेगी वैसे वो फ्लैग फड़फड़ाता रहेगा, और उसके ऊपर का जो मैसेज है वो हर मानव के अंदर चला जाए और वो उसके हिसाब से बिहेव करे. इसके लिए ये फ्लैग इस तरह से जहाँ हवाएं चलती है वहाँ पे लगाई जाती है. सो अभी तो फ्रेड चल गया है कि कोई भी अपने गाड़ी में कहीं पे भी लगा लेता है,
लेकिन मेन रीज़न इसका यह है कि ज़्यादातर हवाई जहाज चले वहाँ पे ही लगाया जाता है, ठीक है। उसी के साथ अंदर जाने के बाद जैसे आप जो स्टैचू है और जो मोनेस्ट्री है वो विजिट करके जैसे ही बाहर आओगे तो बाहर की तरफ आपको प्रेयर व्हील्स देखने मिलेंगे। सो टोटल 108 प्रेयर व्हील्स ये यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ये जो 108 प्रेयर व्हील्स है, ये प्रेयर व्हील्स जब आप प्रे करते हो तभी आपको सभी को उनका जो मंत्र है वो मंत्र आप बोल सकते हो। जैसे कि हमारा ओम गुरु भुवः स्वः है वैसे उनका ही है ओम मने पद्मे हुम। उसका आप बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप मीनिंग देखने जाओगे तो उसका अर्थ है कि मणि जो है वो कमल के अंदर है। ओम मने, मने यानी मणि और पद्मे यानी कमल। सो मणि जो है वो कमल के अंदर है। बेसिकली ये लोग इनके जो गुरु है गुरु पद्म संभवा उनका जो बर्थ है वो कमल के अंदर हुआ है। सो इसीलिए ये मंत्र वो लोग बोलते हैं। ये जो व्हील है वो आपको क्लॉकवाइज घुमाने हैं, ठीक है। सो वो घुमाते समय आपको ये मंत्र में कहना है। और उनका मानना ऐसे है कि अगर एक व्हील आप एक बार घुमाते हो और ये मंत्र बोलते हो तो वो आप लाखों बार बोलते हो, क्योंकि ये जो व्हील है वो व्हील के अंदर छोटे छोटे चित वो मंत्र के लिख के डाले हुए, यानी कि आपने एक बार बोल दिया और घुमा लिया तो वो 1 लाख टाइम वो मंत्र आपने बोल दिया, ऐसे मानते हैं, ठीक है। सो वो प्रेयर व्हील का ये राउंड अप प्रदक्षिणा जो है वो करोगे और वो होने के बाद हम लोग शूज जो है वो पहन के मार्केट की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। स्टार्ट हो जाता है वो यहाँ पे याक होटल के यहाँ पे मार्केट जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों ने आते समय देखा होगा तो बहुत सारी इन बिटवीन अंदर की तरफ गलियाँ बहुत है। सो वो गलियों के अंदर भी आपको मार्केट यहाँ पे देखने मिलेगा। मैंने फेमस चीज़ें यहाँ पे बताई कि कश्मीरी आर्ट ड्रेस मटेरियल यहाँ पे बहुत फेमस है। उसी के साथ स्वेटर जैकेट शॉल शूल्स ये आप यहाँ पे बहुत वैरायटी देख सकते हो। उसी के साथ ड्राई फ्रूट्स केसर वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ स्वीट बर्फी अगर आपको लेनी है तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। और वाइन का जो वैरायटी है वो भी आपको वहाँ पे यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ पे ये लेवल में बहुत सारे मेडिकल्स आपको देखने मिलेगी। ग्लोज सो गाइज आपण इथे नेम प्लेट आपल्या ऑफिसच्या फ्रेंडसाठी घेतो। उरण सेंटर जे आहे त्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट साईडला इथे काका बसतात, दादा बसतात ते, तर तिथे आपण नेम प्लेट बनवून घेतात प्रत्येक ऑफिस फ्रेंडसाठी। शॉपचं नाव आहे शालिनी शासनी शॉप शॉपिंग सेंटर, इथे खाली असतात ते।
तुम्ही कधी मनाली मॉल रोडला तुम्ही मिठाई घ्यायचे तर इकडे तुम्ही हा हिमचॉप ज्यूस बार हिमचॉप फ्रूट बार बर्फी इकडे आहे तर तुम्ही नक्की प्रेफर करू शकता. फ्रूट बर्फी इकडची फेमस आयटम आहे, सो तो तुम्ही परचेस करू शकता.